Hey guys, welcome or welcome back to my channel Abhiksha. Hope you all are doing great. So, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माई सारी कलेक्शन पार्ट टू. मैं ऑलरेडी पार्ट वन शेयर किया है बट पार्ट वन में बहुत कम साड़ियाँ थी तो मैंने पार्ट टू भी आपके लिए रेडी किया है. जस्ट होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा बिकॉज साड़ियों का कलेक्शन आपको मेरा पसंद आता है. सो आई थॉट कि वही वीडियो शेयर करूँ जो कि आपको पसंद आए. बिकॉज क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो वीडियोज थोड़े से हेल्पफुल है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ बट फिर वो वीडियोज आप लोग देखते नहीं हो तो फिर उसको शेयर करने का मतलब भी नहीं बनता. तो अभी मैंने सोचा है कि मैं वही वीडियो शेयर करूंगी जो आपको पसंद है, जिसकी आप डिमांड कर रहे हो, जो आप देखना चाहते हो. सबसे पहले मेरी लिस्ट में था कि माई सारी कलेक्शन पार्ट टू जो कि मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये वीडियो देखें और ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सके. तो ज्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बेसिकली ये मेरी सिल्क की साड़ी का कलेक्शन है. मैं पहले सिल्क की साड़ियां ही दिखाऊंगी बिकॉज ज्यादा कलेक्शन मेरे पास सिल्क की साड़ियों का ही है. जब मेरी शादी भी हो रही थी तो मैंने सोचा था कि मैं कुछ ऐसे फैब्रिक में इन्वेस्ट करूं जो फैब्रिक कभी भी ट्रेंड से बाहर ना जाए, वो हमेशा ट्रेंड में रहे और दूसरी बात वो बहुत ही रिच लगे, रॉयल लगे, क्लासी लगे किसी भी टाइम पे, चाहे वो अभी की बात करें चाहे 10 साल बाद की बात करें. तो ये मैंने इसीलिए मैंने सिल्क में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया. मेरे ससुराल से भी जो साड़ियां मुझे मिली उसमें से ज्यादातर सब साड़ियां सिल्क की थी और मैं जो मायके से लेके आई थी वो भी सिल्क की ही थी. तो आज हम सिल्क की साड़ियों पर ही बात करेंगे. हमारे पास यहाँ पर इतनी साड़ियां हैं. बात करते हैं सबसे पहले साड़ी से, इधर से शुरू करते हैं एक्चुअली. तो ये है मेरी फर्स्ट साड़ी जो कि मेरी फेवरेट साड़ी है. मुझे मैं आपको बताऊं, मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा वर्क वाली, बहुत हैवी साड़ी, बहुत ही एम्ब्रॉयडरी वाली, बहुत चमचम साड़ियां, ये साड़ियां पसंद ही नहीं आती. मेरी जो पसंद है वो बहुत ही सिंपल है, जस्ट लाइक दिस सूट. आपने देखा ये मैंने सूट पहना हुआ है. ये सूट मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये सूट बहुत ही ज्यादा सिंपल है. मतलब पता ही नहीं क्यों बट मुझे बहुत ही सिंपल चीजें ही पसंद आती हैं. मैं बहुत ज्यादा तामझाम वाली चीजें ना तो पहनती हूँ ना तो पसंद करती हूँ. तो ये सबसे पहली साड़ी है जो कि मेरी फेवरेट है. ये इसका कलर कुछ इस तरीके का है एंड इसमें सेल्फ में कुछ एम्ब्रॉयडरी हुई है. एम्ब्रॉयडरी क्या, ये कुछ सेल्फ प्रिंट वाली साड़ी है, धागे का कुछ वर्क हुआ है सेल्फ में. एंड दिस इज द बॉर्डर जो कि ऐसा चौड़ा सा बॉर्डर आपको मिलता है, बढ़िया अच्छा वाला. तो ये ब्यूटीफुल सी साड़ी है. ये साड़ी मुझे मेरी मम्मी ने दी थी, भिजवाई थी करवा चौथ पे. मैंने अपने पसंद से ये साड़ी ली थी. मैंने पहले ही पसंद कर ली थी कि मुझे एक सिंपल सी साड़ी चाहिए बिकॉज करवा चौथ में तो मैं लहंगा ही पहनने वाली थी, रेड लहंगा बहुत ऑब्वियस था. बट मुझे साड़ी कुछ ऐसी चाहिए थी जो कि मैं बाद में कहीं पहन सकूं. तो मैंने इसको एक दो शादियों में पहना अपने ससुराल की तरफ की और ये बहुत सुंदर लगी. इसका जो बॉर्डर एकदम चौड़ा सा है नीचे वाला एंड ऊपर वाला बॉर्डर एकदम पतला सा है. तो ये साड़ियां जो होती हैं ये फूलती भी नहीं है और बहुत चिपकती भी नहीं है, ये बीच वाली चीज है. एंड सबसे अच्छी चीज ये है कि ये जो साड़ियां होती है ना बहुत रॉयल और बहुत रिच लुक देती हैं. आप इनको कैसे भी पहनो. इसके साथ मैंने पफ स्लीव्स का ब्लाउज बनवाया था. फोटो मुझे मिलेगी तो मैं जरूर लगा दूंगी इधर उधर कहीं, आप देख लेना. पफ स्लीव्स का ब्लाउज बनवाया था और मैंने इसको चोकर के साथ पेयर किया था. बहुत ज्यादा खूबसूरत लगा था ये, बहुत ही सुंदर सा, मतलब बहुत ब्यूटीफुल साड़ी है अपने आप में, बहुत अलग सी साड़ी है. मैं ये भी सोच रही हूँ कि मैं इन सिल्क की साड़ियों को इनके ब्लाउज के साथ ना पहनकर और कैसे स्टाइल करते हैं इसका वीडियो भी लेकर. So do let me know in the comment section कि आप वो देखना चाहते हो या नहीं. तो मैं वही चीजें शेयर करूंगी जो आप देखना चाहते हैं. तो ये थी मेरी पहली साड़ी, बहुत सुंदर सी साड़ी है. हमेशा साड़ी का ना फैब्रिक देख के लो कि ये साड़ी बहुत फूलेगी तो नहीं, और अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दो. वैसे तो ये इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है बोलने वाला बट अगर आप थोड़े हेल्दी हो तो मेक श्योर करो कि सॉफ्ट वाला सिल्क पहनो, जो बॉडी में थोड़ा चिपकता होता है वैसी वाली साड़ियां पहनो. अगर थोड़े पतले हो जैसे कि मेरी तरह तो आप कुछ भी फूला फाला पहन लो तब चल जाएगा क्योंकि अपन इतने पतले हैं कि बॉडी को फूला दिखाना है तो हमको तो पहनना है. तो इसलिए ठीक है, इस चीज को आप माइंड मत करो बट इस चीज को ध्यान में रखो कि बॉडी के शेप के हिसाब से आपको साड़ियां लेनी है जिससे कि वो और सुंदर लगे. ऐसा नहीं कि किसी मतलब कुछ ऐसा बॉडी होता है जिसपे सब साड़ियां नहीं अच्छी लगती, ऐसा नहीं है. कोई भी इंसान कुछ भी पहनेगा अच्छा लगेगा, वो आपका चॉइस है. बट अगर आप चाहते हो कि वो चीज एकदम अच्छी सी लगे, परफेक्ट सी लगे, सुंदर सी लगे, अट्रैक्टिव सी लगे, तो थोड़ा सा आपको उस चीज का ध्यान देना पड़ेगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट साड़ी जो कि है ये ब्यूटीफुल सी साड़ी. ये साड़ी मेरी मदर इन लॉ मेरे लिए लेकर आई थी जब वो गई थी महाराष्ट्र.
बहुत खूबसूरत सी पूरी साड़ी इस तरीके की है। ये पूरी साड़ी इसी तरीके की है, ये तो बस खाली इसका आंचल है जो व्हाइट सा दिख रहा हो, व्हाइट सा पूरी साड़ी ये इसी तरीके की है। बहुत ज्यादा खूबसूरत साड़ी है, मुझे ये साड़ी पर्सनली इतनी ज्यादा पसंद आई कि मैं क्या बताऊं। माँ मेरे लिए साड़ी लेके आई थी, दीदी के लिए सूट लेके आई थी। सर ये केले के पत्ते जो होते हैं उनके रेशे निकाल निकाल के उससे बनी हुई साड़ी है। बहुत ही मतलब इतनी नाजुक साड़ी है लेकिन कि मैं क्या बताऊं, इसको इतने केयर से रखना पड़ता है, कहीं भी लगता है कि हल्का सा धागा खिंच गया। तो बहुत ज्यादा खूबसूरत सी साड़ी है, पूरी साड़ी इस तरीके से है। ये मैंने अपनी शादी के बाद पहली बरगद की पूजा में ये साड़ी पहनी थी और ये साड़ी बहुत सुंदर लगी थी। उस बीच लोगों ने बहुत पसंद किया था इस लुक को, बहुत ही ज्यादा टिकटॉक चलाती थी, टिकटॉक पे बहुत पसंद आया था सबको। तो आप कुछ ऐसा ना यूनिक कलेक्शन भी अपने पास रखो, मैं तो आपको यही बोलूंगी। अगर आप साड़ियों के शौकीन हो या नहीं भी हो तो ना आपके पास डिफरेंट डिफरेंट जगह की डिफरेंट डिफरेंट साड़ियाँ होनी चाहिए, कि जैसे कि जहाँ का जो फेमस है आपको वहाँ की वो चीज़ लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये थी मेरी दूसरी साड़ी, ये भी बहुत सुंदर सी है, बॉडी में एकदम चिपक के आती है, एकदम चिपक के आती है, बट खराब नहीं लगती, अच्छी लगती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट साड़ी, मैं आपको सिल्क की साड़ियाँ ही दिखा रही हूँ। सो ये टफेटा सिल्क की साड़ी है, बहुत खूबसूरत सी है, हैवी एम्ब्रॉयडरी की है। ये मेरे फेरों के टाइम की साड़ी है, मैंने अपने फेरों में ये साड़ी पहनी थी। ब्यूटीफुल येलो एंड रेड साड़ी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा। एंड ये दोबारा पहनी नहीं गई आई गेस, दोबारा शायद मैंने पहनी नहीं शादी के बाद, बट बहुत सुंदर सी साड़ी है। ऐसी साड़ियाँ ना अपने फेरों के लिए ले सकते हो, क्योंकि देखो टफेटा सिल्क में बता रही हूँ, इसका जो ये फैब्रिक है ना वो थोड़ा सा शाइन कर रहा है, ऊपर से एम्ब्रॉयडरी हुई है, तो मतलब इसकी ब्यूटी अपने आप बढ़ गई। बहुत खूबसूरत सी साड़ी है, पूरे में से बूटे बूटे बने हुए हैं और बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। सो डेफिनेटली आप ये वाली साड़ी भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको फेरों के लिए लेना है ना, तो आपकी शादी अगर सर्दियों में है तो आप ना यही सिल्क का फैब्रिक लेना, ये मोटा होता है, इससे आपको ठंड भी नहीं लगेगी, वरना पता चले फैशन में दुल्हन एकदम ठिठुर रही है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। सर्दियों में है तो मोटा कपड़ा लेना साड़ी का, सुंदरता पे मत जाना कि बहुत ज़्यादा सुंदर लगे। और अगर गर्मियों में शादी है तो किसी भी फैब्रिक की साड़ी पहन लो, सिल्क नहीं भी पहनोगे तो भी चलेगा। सो ये थी मेरी थर्ड साड़ी। मूविंग ऑन टू द फोर्थ साड़ी, जो कि है ये पिंक कलर की साड़ी। सो मुझे ये साड़ी बहुत पसंद है, एक इंस्टाग्राम स्टोर से साड़ी आई थी। मैं ज़्यादा सिल्क की साड़ियाँ इतना ज़्यादा नहीं मतलब इकट्ठा करती हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतना इनफ कलेक्शन है ना कि मुझे लगता है पहले मैं वो पहन लूँ फिर दूसरा कुछ पहनूंगी। बट ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आई थी, एक इंस्टाग्राम स्टोर की है, बहुत खूबसूरत सी साड़ी है, पूरी प्लेन पिंक कलर की साड़ी है। इसका जो आँचल है मैं आपको दिखाती हूँ, आँचल कुछ इस तरीके का है, नहीं आँचल भी इसका प्लेन ही है, ओके इसका आँचल भी प्लेन है। इसका जो ब्लाउज है ना वो इस कलर का है, आपको ये जो हल्का सा कलर दिख रहा है ना, इसका फुल स्लीव्स का ब्लाउज है। मैं इसकी फोटो ढूंढने का प्रयास करूंगी। एक्चुअली क्या है ना, फोटोज भी इतनी ज्यादा हो गई, क्योंकि रोज अगर आप 100 फोटो खिंचवा रहे हो, 100 से 150 फोटो, तो फोटो कहाँ मिलेगी। बट ये बहुत ब्यूटीफुल सी पिंक कलर की साड़ी है, आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। इसका फैब्रिक इतना सॉफ्ट है, अगर आपको आप थोड़े से हेल्दी हो तो भी आप ये साड़ी पहनोगे ना इतना खूबसूरत लगेगा, मतलब ये स्पेशली आपके लिए ही बनी, आप ये समझ लो। अगर आप थोड़े से हेल्दी हो, अगर बहुत पतले हो तो भी अच्छी लगेगी, ज्यादा अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए कि पूरी बॉडी में चिपक जाती है। तो जब चिपक जाती है तो फिर पूरी बॉडी का शेप पता चलता है, तो कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा पतले हो तो खराब लगती है। बट ये साड़ी ना बड़ी सुंदर है, हेल्दी हो, मीडियम साइज की हो या जैसे भी साइज की हो, साड़ी सुंदर लगेगी, मतलब कोई भी पहनेगा तो सुंदर लगेगी। मेरे ऊपर भी सही लगती है, मैं पतली हूँ लेकिन ठीक लगती है, ठीक लगेगी, अच्छी लगेगी, सबके ऊपर अच्छी लगती है, अच्छी है साड़ी। मैं सच बता रही हूँ, इस चीज़ को माइंड नहीं करना चाहिए, बट मैं खुद अपने बॉडी टाइप के हिसाब से ही साड़ियाँ लेती हूँ। मुझे पता है कि मैं पतली हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वाले फैब्रिक के पीछे नहीं भागती हूँ, सॉफ्ट वाला फैब्रिक पहनती हूँ, वीडियोज़ में अच्छा लगता है, बट अगर सामने से देखो तो ऐसा लगता है कि यार बहुत पतले हैं हम वो वाली चीज़ हो जाती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट साड़ी, जो कि ब्यूटीफुल ग्रीन ब्लैक साड़ी, दिस इज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल साड़ी, वन ऑफ माई फेवरेट साड़ी। ये भी मैं अपने मायके से लाई थी, बहुत खूबसूरत सी साड़ी है, मतलब बहुत प्रिटी सी साड़ी है। ये मैंने एक नज़र में पसंद कर लिया था, मम्मी को बहुत पसंद आई थी मेरे ये साड़ी, तो मैंने उनको बोला था कि आपको चाहिए तो आप ले लो, बट उन्होंने बोला नहीं तुम ही पहनो। तो ये बहुत ब्यूटीफुल सी ग्रीन ब्लैक साड़ी है, इसका जो ब्लाउज है वो ब्लैक कलर का है, और इस पर मैंने एक मेकअप लुक किया था यूट्यूब पर, मैं शेयर कर दूंगी, देख लेना, बड़ा सुंदर सा था। बहुत ब्यूटीफुल सी साड़ी है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी सिल्क की साड़ी है, एंड इसका जो फैब्रिक है वो भी थोड़ा सा शाइनी वाला है। इसमें जो बॉर्डर ये दिए हुए हैं ना जी, देखो खाने खाने बने हुए, इनमें एक शाइन सा है, तो ये बहुत खूबसूरत सी साड़ी है, पूरी साड़ी बहुत ही ज्यादा सुंदर सी है, आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं ऐसी साड़ियां भी।
ग्रे और ब्लैक जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो सिल्क में ही सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है सिल्क की साड़ियों में जितना ज्यादा आप लाइट कलर की तरफ बढ़ते हो उतना ज्यादा वो रॉयल और क्लासी लगता है, बट सिल्क में हर कलर अपने आप में सुंदर ही होता है। बहुत ज्यादा लाल पीला, अगर अपनी खुद की शादी नहीं है ना तो बहुत ज्यादा लाल पीले के पीछे नहीं भागना चाहिए। आप ना कुछ डिसेंट कलर ले सकते हो, जैसे कि ये वाला मैंने फर्स्ट वाला जो दिखाया था ये कलर बहुत सुंदर है, ये कलर बहुत सुंदर है। तो ये सब ना मैंने साड़ियां मैं इसी हिसाब से लेती हूँ कि यार मैं हर एज में पहन सकूं। अब जैसे ये साड़ियां हैं, ये अगर मैं 50 साल की हो जाऊंगी तो भी मैं ये साड़ी पहन सकती हूँ, बिकॉज ज्यादा ऐसा चमक वाली साड़ी नहीं है। तो साड़ियां मैं ऐसी लेती हूँ कि जो कि हर एज में पहनी जा सके और बहुत चमक वाली ना हो, क्योंकि यार साड़ियां इतनी महंगी मिलती हैं, आप उनको हटाओगे नहीं, मतलब दिल ही नहीं करेगा, मेरा खुद नहीं दिल करता। मेरी साड़ी कितनी भी पुरानी हो जाए मैं देने में मुझे बड़ा अजीब लगता है कि मैं अपनी साड़ी क्यों हटाऊं, इतनी मेहनत से ली है सब कुछ है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट साड़ी जो कि है ग्रीन कलर की साड़ी। सो जिन्हें अपनी वेडिंग के लिए साड़ी लेनी है वो ऐसा कुछ ले सकते हैं, वेरी ब्यूटीफुल साड़ी। इसमें ये ग्रीन कलर की साड़ी है एंड इसमें हैवी बॉर्डर मिल रहा है आपको, हैवी बॉर्डर एलिफेंट वाला हैवी बॉर्डर मिल रहा है। इसको मैं ऑलरेडी अपने एक वीडियो में दिखा चुकी हूँ कि ये मेरी वन ऑफ माई फेवरेट साड़ी है और मुझे बहुत पसंद है, मतलब बहुत सुंदर है। मैं अपने जैसे मेरा बर्थडे था मैंने सुबह उठते ये साड़ी पहन ली थी, हैवी मेकअप के साथ, ढेर सारी चूड़ियों के साथ, गोल्ड ज्वेलरी के साथ, नोज पिन के साथ खूब मैं तैयार व्यार हो गई थी, क्योंकि मेरा पहला बर्थडे था और मैं खूब सज गई थी। अभी मुझे लगता है कि मैं इतना क्यों सजी थी। सो बहुत ब्यूटीफुल सी साड़ी है ये भी। साड़ियों में देखो सिल्क में भी ना बहुत सारे पैटर्न आते हैं। एक आता है जो बहुत बेसिक सिल्क होता है, जैसे जैसे आप रेंज बढ़ाओगे अपनी सिल्क में क्वालिटी अच्छी होती जाएगी। ऐसा नहीं कि अगर आपको 1000 रुपए की कोई साड़ी मिल रही तो वो खराब सिल्क है, खराब सिल्क नहीं है। हर इंसान 5000, 10000, 50000 की साड़ी नहीं ले सकता है, तो उसके हिसाब से जो क्वालिटी होती है थोड़ी सी कम होती है, बट सब अच्छी लगती है। पहनने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, साड़ियां तो सब सुंदर होती हैं यार। आप 200 रुपए की साड़ी पहन लोगे तो वो भी बहुत सुंदर लगेगी कई बार, और 20000 की साड़ी उसके सामने कुछ भी नहीं लगेगी। तो कभी पैसे पे मत जाओ, अपने ऊपर लक कैसी रही है इस पे जाओ, ठीक है। मूविंग ऑन टू द लास्ट साड़ी जो कि सबसे रीसेंट साड़ी है, ये मैं अपने मायके से ही लाई थी। मुझे ना ये सब कलर्स बड़े पसंद है यार, मतलब मेरे ऊपर अच्छे लगे ना लगे मुझे वो फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये सब कलर बहुत ज्यादा पसंद है। एंड ओ माई गॉड, दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल साड़ी। ऐसे देख के ऐसे एक नज़र में ऐसे प्यार सा होना ना, वैसी वाली साड़ी है, बहुत ज्यादा खूबसूरत साड़ी है। मुझे बहुत ज्यादा ये साड़ी पसंद है और बहुत ज्यादा पसंद है ये साड़ी, बहुत खूबसूरत सी साड़ी है। कलर देखो आप, इतना सुंदर सा है, टेसल लगे हुए हैं सारे, बहुत खूबसूरत सी साड़ी। सारी साड़ियाँ ये ऑफलाइन नहीं है, मैं अपने मायके से लाई थी, वहाँ पर एक शॉप है तो मैं वहीं से साड़ियाँ लेती हूँ। बहुत ज्यादा सुंदर साड़ी है, वर्क देखो इसका, इसका जो ब्लाउज है ना सेम कलर का है। मुझे बस एक ही डाउट है कि मेरा कलर फेयर नहीं है, तो आई डोंट नो मेरे ऊपर ये उतनी अच्छी सी लगेगी कि नहीं लगेगी, बस वही एक इशू है। बाकी मुझे ये साड़ी बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ही ज्यादा। मैंने एक नजर में ले ली थी, मैंने पूरी साड़ी भी नहीं खोली थी, आप यकीन नहीं करोगे, साड़ी ऐसे बस यूं रखी थी, मैंने बोला ये साड़ी निकाल दो, मम्मी कह रही हाँ ये साड़ी ले लो, बस मैंने खुलवाई भी नहीं थी साड़ी, इतनी पसंद आई थी मुझे। तो आप ये साड़ी ऐसा कलर जरूर ले सकते हो यार, आप पता नहीं हो सकता है कि ये अच्छा लगे मुझ पे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता ना अच्छा लगे, बट मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर कोई चीज पसंद आई तो ले लो यार, अच्छी लगे नहीं लगे तो पहनने पर देखा जाएगा, वो तो बात की बात है। मतलब ऐसा कोई कलर नहीं है जो कि आपको छोड़ना चाहिए कि यार हम सांवले तो ये कलर नहीं पहनेंगे। जैसे मुझे पता है कि मेरे ऊपर येलो नहीं अच्छा लगता, बट फिर भी मैं येलो लेती हूँ, क्योंकि क्यों मन मारना, अच्छा लगता है नहीं लगता है वो तो चलो अलग की चीज़ है, बट मेरे पास हर एक कलर होना चाहिए। मुझे लगता है शायद ही ऐसा कोई कलर होगा जो मेरी वार्डरोब में आपको नहीं मिलेगा। मेरे पास ऑलमोस्ट सारे कलर हैं, सारे कलर हैं, मतलब सारे कलर की साड़ियां हैं, सूट की तो बात ही छोड़ो, मेरे पास सारे कलर की साड़ियां, मुझे इतना पसंद है कलेक्शन इकट्ठा करना। सो ये था मेरा साड़ी कलेक्शन पार्ट टू। मुझे मतलब कलेक्शन का बहुत शौक है, चाहे वो क्लचेस के हों, चाहे वो साड़ीज के हों, चाहे बेल्ट के हों, चाहे बैग्स के हों, चाहे फुटवेयर के हों, मुझे कलेक्शन इकट्ठा करना बहुत पसंद है, ये मेरी हॉबी है। सो मैं यही करती रहती हूँ मैं। एंड ये था मेरा साड़ी कलेक्शन पार्ट टू, आई जस्ट होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो मेक श्योर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये वीडियो देखें और ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सके। सो नए वीडियोज के साथ, क्रिएटिव चीजों के साथ, अच्छे अच्छे आइडियाज के साथ मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।